नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में सिंचाई के साधन। हमारे देश में धरातलीय और जलवायु दशाओं और मानव बसाव तथा कृषि के विकास के विभिन्न रूपों, आर्थिक राजनीतिक कारणों ने यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में विविध प्रकार के सिंचाई स्रोतों और साधनों के उपयोग को निर्धारित किया है। यानी यहाँ की जो भौगोलिक दशाएँ हैं उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिंचाई के साधन को प्रयोग में लिया जाता है। यही सिंचाई के लिए भूमिगत और धरातलीय दोनों प्रकार के जल का प्रयोग होता है और इस जल का प्रयोग जो है वो विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। इन साधनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भूमिगत जल और दूसरा है धरातलीय जल। भूमिगत जल के अंतर्गत कुआ आता है। कुएं में भी पक्का कुआ, कच्चा कुआ और नलकूप, और धरातलीय जल में तालाब और नहरें आती हैं। तालाब में भी प्राकृतिक और कृत्रिम, और नहरों में भी नित्यवाही और अनित्यवाही। पिछले 50 वर्षों में देश में विभिन्न साधनों का विकास अलग अलग गति से हुआ है। वर्तमान में कुल सिंचित भूमि का 29% भाग नहरों से, 61% भाग कुओं और नलकूपों से, और 4.62% भाग जो है वह तालाबों से, तथा शेष 53% भाग अन्य साधनों से सींचा जाता है। मुख्य रूप से इन साधनों में देखा जाए तो सबसे पहला है कुएं एवं नलकूप। देश के विभिन्न भागों की प्राकृतिक, धरातलीय और जलवायु और आर्थिक दिशाओं ने कुओं द्वारा सिंचाई की क्रिया को जन्म दिया है। कुओं का सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। हालांकि पिछले 30 वर्षों में देश की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इनके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 2 गुना हो गया है। और कुओं को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, कच्चा कुआ, पक्का कुआ और नलकूप। दोनों प्रकार के कुएँ सिंचाई का सस्ता और सरल और सुगम साधन है, और नलकूप जो है वह वास्तव में अभी वर्तमान शताब्दी की देन है। इनका प्रयोग 1930 से ही शुरू कर दिया गया था। नलकूप के निर्माण के लिए भी कुछ भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जो इस प्रकार से है, अर्थात देश के जिन भागों में चिकनी बलुआ मिट्टी मिलती है, जहां वर्षा का पानी कॉप की तहों में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ कॉप मिट्टी की तहें भूमिगत जल का अगाध भंडार बन जाती है। इसीलिए इनको खोदने पर जल आसानी से मिल जाता है। अधिकांश कुएं उन्हीं भूभागों में बनाए जाते हैं जहाँ जल भूमि के निकट पाया जाता है। साथ ही देश में कुएं और नलकूप सिंचाई के रूप में अपना महत्व बराबर बढ़ा रहे हैं। यह साधन उन स्थानों से अधिक प्रचलित है जहाँ भूमिगत जल का भंडार अधिक है। हालांकि वहाँ पर नहरें कम प्रभावी हैं। पिछले दशकों में उत्तर भारत के मैदानी भाग में इन साधनों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों की कुल सिंचित भूमि का 50% भाग कुओं और नलकूपों से ही सींचा जाता है। देश के सभी राज्यों में सिंचित भूमि का कुल 50% से भी कम भूभाग कुओं और नलकूपों से सींचा जाता है। हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली के सारी सिंचित भूमि कुओं से ही सींची जाती है। नलकूपों द्वारा अधिक गहराई पर मिलने वाले भूमिगत जल का सिंचाई के लिए उपयोग हो जाता है। इसमें भूमि में एक छेद बनाकर पंपों द्वारा जल को धरातल पर लाया जाता है। वास्तव में नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के अतिरिक्त बेकार पड़ी भूमि को भी कृषि योग्य बनाने के लिए किया जाता है। देश में नलकूप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस समय केंद्रीय और राज्य सरकारें जो हैं वह इस साधन के विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही है। किसानों को पंप सेट, नलकूप लगाने के लिए कम दर पर अधिक ऋण दिए जा रहे हैं। साथ ही इसकी सहायता ने देश में हरित क्रांति लाने में विशेष योगदान दिया है। नलकूपों व पंप सेटों की सबसे अधिक जो संख्या है वह 10.3 लाख तमिलनाडु में थी, जो देश में पाए जाने वाले 57 लाख नलकूपों व पंप सेटों का 18% था। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है जहां 8.9 लाख पंप सेट है। तीसरा स्थान जो है वह आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब से सभी राज्यों में इनकी संख्या 1 लाख से कम पाई जाती है। देश में सबसे अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में है।
यहाँ अधिकांश नलकूप निजी क्षेत्र के हैं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है गंगा नदी के पश्चिमी जिलों में नलकूपों की भारी संख्या पाई जाती है, दूसरा है गंगा नदी के पूर्वी जिलों में भी नलकूपों का विस्तार पाया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी नलकूपों का महत्व विशेष 30 वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिलों में नलकूप लगाए गए हैं। दक्षिण में भी इनका विस्तार हो गया है। गुजरात में भुज, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद जिलों में और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली और थंजावुर जिलों में सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। 1990 तक देश की पंप सेटों में नलकूपों की संख्या 2000 में 95 लाख हो गई थी। इस संख्या का 15% तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और 9.4% उत्तर प्रदेश में, 8.7% मध्य प्रदेश में और 8.4% मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। यह संख्या भूमिगत जल भंडार की उपलब्धि पर निर्भर है। तो दूसरा जो साधन है सिंचाई का वह है तालाब। तालाब भूमि के वह निचले भाग हैं जिनमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तालाब छोटे बड़े गड्ढे होते हैं जिसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, और कृत्रिम तालाब भूमि खोद पर बांध बनाकर वर्षा का जल एकत्रित करके बनाए जाते हैं। ये हालांकि छोटे और कम गहरे होते हैं। तालाबों से सिंचाई तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अधिक होती है। दक्षिण भारत के राज्यों में निम्न भौगोलिक सुविधाएं तालाबों की सिंचाई को प्रोत्साहन देती है। यहाँ की चट्टानें अप्रवेशनीय है, धरातल सख्त और ऊंचा नीचा है, इसलिए यहाँ पर कुएं और नलकूप बनाना कठिन और असंभव है। दूसरा है, यहाँ पर अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं इसलिए उनसे नहरें निकालना भी उपयोगी नहीं है। तीसरा है, चट्टानी धरातल वर्षा के जल को सोख नहीं पाता है, अतः तालाब पानी से भरे रहते हैं। तीसरा है, यहाँ बिखरी जनसंख्या तालाब व बांध बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार तालाब ही केवल सुव्यवस्थित और सुविधाजनक उपाय है जिसके कारण वर्षा का जल संग्रह करके सिंचाई के प्रयोग में लाया जा सकता है, हालांकि नहीं तो यह यूं ही व्यर्थ बह जाता। तमिलनाडु राज्य में सिंचित भूमि का काफ़ी अधिक भाग तालाबों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ तिरुचिरापल्ली, करूर, नामक्कल, डिडिगुल, मदुराई, रामनाथपुर, तिरुवनवेली, वेलमेर, कांचीपुरम, थिरुवल्लर, विल्लुपुरम, धर्मापुरी, सलेम, कोयम्बटूर और ईरोड जिलों में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होती है। पूर्वी महाराष्ट्र व दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी तालाबों का काफ़ी महत्व है। इस तरह देश की कुल सिंचित भूमि का कुल का वर्तमान में केवल 4.6% भाग ही तालाबों द्वारा सींचा जाता है। देश के किसी भी राज्य में तालाबों द्वारा कुल सिंचित भूमि का 28% से अधिक भाग नहीं सींचा जाता है। तीसरा जो साधन है वह है नहरें। नहरें भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा व प्रमुख साधन है। समतल व मुलायम चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि उपजाऊ भूमि, नदी व जल स्रोतों से जल की पर्याप्त पूर्ति तथा अनुकूलन राजनीतिक वातावरण नहर द्वारा सिंचाई के विकास में विशेष सहायक होते हैं। 1900 में नहरों पर केवल 59.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की जाती थी। 50 वर्षों में ये बढ़कर 83 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो पंचवर्षीय योजनाओं में देश की कृषि व्यवस्था में सुनिश्चित उत्पादन की व्यवस्था को ध्यान में रखकर नहरों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। नहरें भी दो भागों में विभाजित की गई है, अनित्यवाही और नित्यवाही। ये नहरें, अनित्यवाही नहरें वे नहरें जो केवल वर्षा ऋतु में काम आती है। इन दिनों बाढ़ का अतिरिक्त जल बहकर नहरों में चला जाता है। ये नहरें शुष्क ऋतु में सूख जाती है। इस प्रकार की नहरें उन भागों में मिलती जहाँ एक ही फसल पैदा की जाती है। कृष्णा और कावेरी डेल्टा की नहरें इसी वर्ग में आती हैं। दूसरा है नित्यवाही नहरें। ये नहरें पूरे वर्ष भर पानी से भरी रहती है क्योंकि इनका उद्गम सदावाहिनी नदियों या नदियों का बांध रोककर बनाए गए जलाशयों से होता है। उत्तर भारत की नहरें इसी प्रकार की है। दक्षिण भारत में जिन नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं उनमें वर्ष भर जल भरा रहता है। नहरों से सिंचित भूमि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।
केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड में नहरों द्वारा सिंचित भूमि में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय योजनाएं भी हैं जिनसे अनेक नहरें निकाली गई हैं, और इन योजनाओं के उद्देश्यों में मुख्य रूप से सिंचाई और भूमि का उपयोग, विद्युत शक्ति का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल मार्गों का विकास, घरेलू कार्यों के लिए जल की व्यवस्था, कृत्रिम झीलों में मत्स्य उत्पादन, वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, पशु संपत्ति के लिए चारे की व्यवस्था, अकाल आदि से मुक्ति दिलाना, भूमि का कटाव रोकना, परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के निवासियों और संसाधनों का समुचित उपयोग करना। इस प्रकार भारत की प्रमुख नदी घाटी अर्थात बहुउद्देशीय योजनाओं में दामोदर घाटी योजना और भाखड़ा नांगल योजना, हीराकुंड योजना, तुंगभद्रा योजना और कोसी योजना, रिहंद योजना, मयूराक्षी योजना और माता टिल्ला योजना, ये प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं भी हैं जो सिंचाई के लिए भी मुख्य रूप से काम आती है। तो ये तो थे विद्यार्थियों आपके ये तो था विद्यार्थियों आपकी सिंचाई के प्रमुख साधन। धन्यवाद विद्यार्थियों।